आठवले सामाजिक महाविद्यालय भंडारा में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ, जहां संस्थान के अध्यक्ष डॉ. केदार सिंह जी रोटेले एवं आठवले सोशल वर्क कॉलेज के कार्यकारी प्राचार्य डॉ. नरेश कोलते के मार्गदर्शन में लिया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉ. प्रशांत पटोरे, साथ ही डॉ. सुधाकर झलके, प्रवीण उदापुरे उपस्थित थे। आठवले सामाजिक महाविद्यालय भंडारा में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ, जहां डॉक्टर चंदन सिंह जी रोटेले सर के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। परिचयात्मक कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर नरेश कोलते सर द्वारा क्या क्या मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रशांत पटोरे ने छात्रों को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में मार्गदर्शन किया और छात्र को शिक्षा के महत्व को समझाया। आठवले सोशल वर्क कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर केदार सिंह जी रोटेले सर, उत्कृष्ट कार्य हेतु हेमंत देशमुख सर एवं प्रोफेसर अमोल सिंह रोटेले सर को शॉल एवं श्रीफल से सम्मानित किया गया। उन्होंने छात्रों को उनके कॉलेज के वार्षिक उत्सव की शुभकामनाएं भी दी और छात्रों को बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के द्वारा छात्र छात्राओं को मोमेंटम एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन डीएड कॉलेज की प्राचार्य मैडम आम्रपाली भूकड़े ने किया, साथ ही कॉलेज के सभी स्टाफ छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। तो वही आभार विश्वजीत कदम ने किया। मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ उपस्थित हो और इस प्रकार का जो काम है हमारे पिताजी द्वारा इसके नींव रखा गया था डॉक्टर चंदन सिंह रोटेले साहब, जिन्होंने आज से पिछले 32 से 35 वर्ष पहले इसकी नींव रख कर इसे शुरू किया, इसे उजागर किया और इसके बाद वो कार्यरत रहे और हमेशा इसके ऊपर काम करते रहे। इस प्रकार का जो धोरण और जो ये काम है, यहाँ बड़े उनके मेहनत से उन्होंने सींच कर उन्होंने यहाँ पर बच्चों को जो एजुकेशन का जो एक वर्ग है और क्लासिफिकेशन है उन तक पहुँचे, वो माध्यम उन तक जाए, इसलिए उन्होंने भंडारा, नागपुर, चिमूर और सोलापुर ऐसे सिटीज़ में अपने कॉलेजेस की नींव रखी और यहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटी को ले आए। जहाँ पर एक किसान के देहाती बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती थी, जहाँ जिसे मेट्रो सिटी, अर्बन सिटी जिसे कहते हैं, मुंबई, नागपुर, पुणे ऐसे सिटी में जाकर उसे एजुकेशन लेना होता था, ऐसे बच्चों को उनके नियरेस्ट गांव में ही अपने भंडारा में और आसपास के ऐसे जिलों में अपन ने कॉलेजेस और संस्थाएं खोलकर बच्चों के लिए ये जो समाज हित का जो काम किया है, ये अपने आप में बहुत बेखूबी, बहुत बड़ा काम है और ऐसा काम करने में कई अनेक जन्म लेने होते हैं। जिस प्रकार का जन्म लेकर साहब ने समाज के प्रति एक प्रेम रख कर के एक काम करने की जो रचना की है, ये रचना को मैं बहुत बहुत आभार मानूंगा और बहुत तरीके से आगे ले जाकर मैं भी इस पर अच्छा सक्सेसर बोल के डॉक्टर केदार सिंह चंदन सिंह रोटेले उनके स्थान पर आज हूँ, कार्यरत हूँ और आगे भी मजबूती से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जमाने में बहुत आगे अच्छा काम करता रहूँगा। भंडारा और आसपास के गाँव के लोगों को जो भी शिक्षा से वंचित है, जो एजुकेशन से वंचित है और दूर है, उन्हें मैं अच्छी संधि यहाँ से प्राप्त करने के अभ्यास की मैं देना चाहूँगा और हमारे संस्था और वहाँ के संस्थापक लोग भी यही चाहते हैं कि अच्छा लोगों में ऐसा मैसेज फैले, अवेयरनेस हो, सामाजिक जन जागरूकता हो, जिससे हमारे यहाँ MSW, BSW, सोशल वर्क के कोर्सेस, MPhil, PhD रिसर्च सेंटर और साथ में ओपन के भी कोर्सेस है जिसे हम यशवंतराव चौहान के नाम से जानते हैं, आपको भी पता है, BA, BCom, MCom, MA और साथ में नए कोर्सेस और भी हम लेके आने वाले हैं, जिसके वजह से गांव के जो लोग हैं, गांव के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका एजुकेशन उनके भंडारा ज़िले में ही, उनके आपस के आसपास के गांव में ही यहां पर कार्य होगा और उनको इसका लाभ मिल पाएगा। ये सब योजनाएँ हम जल्द से जल्द शुरू तो हो चुकी है पिछले 30 साल से, और भी नए कोर्सेज जो ले आएंगे जल्द से जल्द ले आकर उसे भी शुरू करेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा BCN न्यूज़ का भी कि उन्होंने इस प्रकार यहाँ अपना समय देकर हमारे बीच शरीक होकर इस प्रकार का जो एक अवेयरनेस फैलाया और काम है और इसी काम और मैसेज को आगे पहुँचाना है समाज तक, मैं उनका बहुत बहुत फिर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। NBC न्यूज़ के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंदालोरी की रिपोर्ट।